प्यार कभी एक तरफा होता है ना होगा, दो रूहों के एक मिलन की जुड़वां पैदाइश है ये। प्यार अकेला जी नहीं सकता, जीता है तो दो लोगों में, मरता है तो दो मरते हैं। जिनादी पकड़िए बाहे जिनादी पकड़िए सिर दीजे बाहे न छोड़िए चित कर आसरा चित चरण कमल संग जोड़िए चित चरण कमल संग जोड़िए बाहे जिनादी पकड़िए बाहे जिनादी पकड़िए। जीवन साथी अच्छा होना चाहिए, वो अगर उसको अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है। सनु एक पल चैन ना आवे, एक पल चैन ना आवे तेरे बिना सचिना तेरे बिना। जयमाला के टाइम मिले और उनकी वैसे वो अपने टाइम पे बड़े पंक्चुअल सी, बाकी ये है कि उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, किसी को बुरी लगे ना अच्छी लगे। सड़क कल्या जी नहीं लगना, सड़क कल्या जी नहीं लगना सजना तेरे बिना तेरे बिना। इन ओल्ड डेज मैरिज टू बी अरेंज्ड बाय द पेरेंट्स ओनली, and that their son and daughters are saying after marriage only to each other, husband and wife. जो जो टाइम बढ़ता गया प्यार भी बढ़ता जाता है। हमारे टाइम में आदमी की इनकम लिमिटेड होती थी और लेडीज़ की भी जो सोर्स था उसी में मैनेज करना होता था। अपनी फैमिली को बच्चों को स्टडी करवाने के लिए डबल मेहनत की, गवर्नमेंट जॉब करते थे और साथ में उन्होंने प्राइवेट अकाउंट्स का काम किया, ये सब खर्चे पूरे करने के लिए तो डैडी को स्ट्रगल करनी पड़ती है। उनको कभी ये नहीं था कि हम खा लें दूसरों को नहीं खिलाएं, उनका मेन एटीट्यूड ये था कि जो हमारा गेस्ट आए पहले उसको एंटरटेन करो, बाकी बाद में जो चीज़ होनी चाहिए। अगर पत्नी नहीं साथ देगी तो घर ऐसे खुश परिवार नहीं होता, अच्छा परिवार नहीं बना। अंकल ने भी उतना ही साथ दिया, तभी तो 50 साल इतनी जल्दी बीत गए। साथ के बिना तो नहीं हो सकता है। अप टू टिल डेट दे आर मैरिड, सन्स आर मैरिड, ऑल चिल्ड्रन आर मैरिड, नाउ माय ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर्स आर देयर। उसके बाद बच्चों के बच्चे हो गए तो उनसे ज़्यादा ही प्यार हो गया।
प्यार तो माँ का तो हमेशा बच्चों में उतना ही प्यार रहता है, और बच्चों का प्यार थोड़ा बट जाता है क्योंकि उनके अपने बच्चे होते हैं, उनकी अपनी पत्नी होती है, फिर उनमें भी बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब माँ की बात रहती है तो प्यार उतना ही रहता है, उनका भी रहता है, हम समझने में फ़र्क रहता है। स्टिल इट इज़ जॉइंट फैमिली एंड आई थिंक दैट इट इज़ वेरी रेयर केसेस व्हेन द जॉइंट फैमिली इज देयर। अप टू दिस स्टेज वी स्ट्रगल टू मच एंड वी एंजॉय टू मच। जितने भी टाइम हमने बताया बहुत खुश रखा उन्होंने, और अपनी फैमिली को भी बच्चों को भी टाइम के ऊपर टाइम दिया, और सब कुछ उन्होंने खुशी से टाइम बताया। भगवान है, ऐसा तो पति सबको मिलना चाहिए, जो मेरे को मिला। हैप्पी फैमिली। सुबह होती है, डैडी अपना उठते हैं, और अपना उठते ही भगवान को सामने सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, और पहले वो सूर्य को पानी देने जाते हैं, सूर्य को अर्घ देने के बाद फिर वो आके अपनी पूजा करते हैं। इसी बीच वो ये भी करते हैं कि जब भी उनको जैसे भी टाइम मिलता था तो वो ये करते थे कि हमारे को सबको बैठ के योगा सिखाते थे कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये क्या बोलते कपाल भाती करो या कुछ ऐसे करो, ये चीज़ें बताते थे कि अपना ये, जिससे कि तुम्हारा हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा और अपने वॉक पे भी जाना है, जो आज भी वो करते हैं, और अपना एक डेढ़ घंटे का किलोमीटर का वॉक करने के बाद ही घर आते हैं। उनका जो डिसिप्लिन हमने देखा है कि चाहे कुछ भी हो वो अपनी रूटीन नहीं तोड़ते। बेसिकली कोई भी पेरेंट अपने बच्चों की बहुत सेफ्टी देखता है, तो आज मैं भी बोलूँगा कि अगर ललित, मैं, सविता, कोई भी अगर अपनी अपनी जगह पे अपने पहुँचे हैं तो अपने माँ बाप के आशीर्वाद से ही पहुँचे हैं। उनके गाइडेंस के बगैर हम वो चीज़ नहीं अचीव कर सकते थे जो आज हम कर सके। आपने मुझे सबसे बड़ी बात भाजी खरीदनी सिखाई, जो मुझे कभी आज तक आती नहीं थी, और इतनी अच्छी बात थी कि जब मेरी मम्मी मुझे बोलती थी दिव्या चल सब्जी लेने, मैं बोलता आप जाओ, मैं इस गर्मी में तो कभी नहीं आऊँगी। इनके साथ मेरी बॉन्डिंग एकदम परफेक्ट हो गई है, हम कभी ऐसे लगते नहीं कि हम सास बहू हैं, सब लोग यही बोलते कि हम एक माँ और बेटी हैं, और मुझे इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैं यही चाहती हूँ कि आगे जाकर मैं भी मम्मी की तरह एक अच्छी माँ बन सकूँ, और आगे जाके जो मम्मी की अच्छाइयाँ हैं वो वंश में लाने की कोशिश करूँ। डैडी कभी भी ऐसे इमोशनल नहीं होते, और डैडी लोग कभी भी अपनी इमोशंस दिखाते नहीं हैं, तो पहली बार जब भी उनकी इमोशन देखी तो मेरे को ऐसे वो मेरे को याद आ रहा है कि तभी सविता की शादी थी, और सविता की शादी हो रही थी, तब तक वो सही थे, सब अच्छा चल रहा था। फिर उसकी विदाई का टाइम आया, तो जब भी विदा होकर चली गई तो भी उन्होंने कुछ शो नहीं किया, और मैंने फिर उसके बाद ध्यान से उनको देखा कि उनकी आंखों में देखा कि उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे उनकी कोई एक जिगर का टुकड़ा चला गया है, और उनको लग रहा था कि अभी ये वापस नहीं आएगा। तो उस दिन मैंने उनको काफ़ी इमोशनल देखा, और वो थोड़ी देर के बाद एक जगह जाके बैठ गए और एकदम चुप हो गए, किसी से बात नहीं की। तभी मेरे को अपने डैडी का वो एंगल समझ में आया कि वो इमोशनल हैं बट वो जताते नहीं हैं। फादर मदर के साथ बहुत कम रहे, ये जब सर्विस में आ गए तो बाई अनफॉर्चुनेटली हमारी मदर की डेथ यार जल्दी हो गई ड्यू टू कैंसर पेशेंट। तो उस टाइम में बाद में अपने को यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ा, उन्होंने कम से कम 28 साल हम लोग के साथ निकाले। वो जो पीरियड है बगैर इसकी हेल्प के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे की हेल्प पड़ती है, उसको साथ में मिलकर उसकी ज़िंदगी चलती है। जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए साथ में चलेंगे तभी गाड़ी चलेगी, एक पहिए से गाड़ी चलती नहीं। तो अच्छा हो या बुरा हो उनको अपना सुख तो अच्छी तरह ही आपस में बांटना चाहिए। क्वालिटी व्हाट वी एडमायर डिसिप्लिन, दे वांट अस टू बी डिसिप्लिन्ड, दे वांट अस टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड, दे डोंट वांट अस टू गेट थिंग्स इन अ प्लैटर, दे वांट अस दैट वी शुड ऑलवेज फाइट आवर सेल्व्स एंड अचीव थिंग्स सो दैट यू गेट अ सेंस ऑफ अचीवमेंट प्लस बिकम अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग पर्सनालिटी फॉर द फ्यूचर। डैडी इज द कॉन्फिडेंस एंड the way he stands up against the problem to resolve issues, and he never takes a turn back, never, he doesn't take a step back anytime, and
he knows how to stand for oneself. That is what he has taught us. वो हमेशा अच्छा सिखाते हैं और हमेशा कहते हैं सच्चाई पे चलो कुछ भी हो जाए हमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा चाहे सुख हो या दुख हो हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह पाला आज तक मैं उनकी कभी बहू नहीं हूँ हमेशा उनकी छोटी सी बेटी हूँ The main thing that what they teach you is discipline. Like they don't give you things ready-madely. Like they just give you that this is they should do it by hard working and all. इनका ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये था एक प्रार्थना और दारू ना पीना उसको टच ना करना ये इनका सबसे बड़ा प्रिंसिपल The one what I have seen the things that make them very happy is then all the family is together all the kids are together and they enjoy the company of all the kids and the grandchildren. जब सारे बच्चे खुश हों तो आई थिंक दैट मेक्स माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी एंड दे कैन डू एनी थिंग टू मेक अस हैप्पी दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट माई पेरेंट्स एंड होप आई टेक दैट क्वालिटी एज वेल आई वुड गिव देम दैट आई विल मेक यू प्राउड आई विल वर्क हार्ड मोर एंड आई लव यू सो मच बिकॉज यू आर द बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव एवर हैड एंड आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग मोर बेस्ट मेमोरीज आर मैनी But what we think is whenever we all have been together with us and we have gone to meet our relatives with them and used to enjoy during our holidays when our schools used to be off, we used to enjoy with our parents visiting all our relatives and having good time with the relatives there along with our parents. They used to be so happy to see all their brothers, sisters and we used to enjoy this, seeing the happiness they feed. When they go and see their loved ones. जब मैं छोटा था प्ले ग्रुप में था तो जब प्रोग्रेस में फर्स्ट प्राइज मिला था आई थिंक मम्मी को बहुत खुशी हुई थी और उस प्राइज में मुझे एक ग्लास मिला था और वो ग्लास आज भी संभाल के रखा है मम्मी ने The sweetest memories वो है the 12th of December 2012 the day I got married to your chacha. It was very nice memory where I got my lovely parents. When my parents were not in India and I was living with my grandparents, the way they took care of me and the fun we had when I used to sleep with them, that was the best memory I ever had. Like I came to know how they were more. I didn't know them before, but being with them was like the best thing. I think every child is annoyed with his parents, but that annoy. Is not like you know I'm unhappy with them it is because when they are pushing me you know they are helping me cross my limits so but definitely that teaches me a lot and I learn every time I get annoyed and I want my parents to annoy me every time so that I grow and I flourish in my career and life so thank you for annoying me sometime yes Because he was not allowed to send for playing, you know, hockey. He wanted to play hockey, but they used to pester him more for studies rather than for playing games. He was very good at playing hockey, so no, maybe that's the time when he got annoyed with them. No, I've had a difference of opinion, and I used to feel that okay, I should try a career in sports. But then that time they said no. First, you have to study, and once you do good in studies. Because studies will help you, not the games. आज वैसे बहुत खुशी का दिन है 50th वेडिंग एनिवर्सरी वाव बनता है इसके लिए तो मेरी तरफ से आंटी अंकल को बहुत बहुत बधाई है और 50 साल पहले जैसे दोनों मिले शादी हुई और उसके बाद उनका परिवार 50 माइल से ऊपर तक चलता चला गया और उसमें बहुत से प्यारे प्यारे फूलों का एक जमते गए और एक बड़ा परिवार बनता गया और उनके बारे में मैं क्या कहूँ कि आंटी अंकल तो हमारे लिए तो माँ बाप की जगह पे हैं कभी मैंने उनमें ये नहीं देखा परायापन नहीं देखा है हमेशा उन्होंने अपना ही समझा है आंटी के जब बच्चे ये ललित परवीन सविता ये सब छोटे छोटे थे मैं बड़ी थी सब बच्चों के बीच में तो जब भी ये लोग बाहर आंटी जाते थे मम्मी आंटी सब मिलके तो सब बच्चे मेरे हवाले तो वो एक ऐसा लगता था कि अरे वाह इतने सारे बच्चों को संभालना और उनके साथ मस्ती करना वो एक कुछ अलग ही माहौल था क्योंकि किसी ने सही लिखा है तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम घना छाया वाकई ये बहुत बड़ा घना छाया है जिनके साये में हम रह रहे हैं मैसेज ऑन 50th एनिवर्सरी मे गॉड ब्लेस देम विद 50 इयर्स मोर ऑफ टुगेदरनेस एंड आई होप देयर ब्लेसिंग्स
remain with us and always their good blessings, so that we can succeed more. And one thing I can say, that we have come to this level only because of our parents' blessings. We love them and we always will respect them. So whether we get scolded or we get pampered, whichever reason, we will still love them. Even if we have difference of opinion, we will still have discussions with them and take care of them. And we'll always take care of them and we'll always love them. And we'll try to do our best, whatever we can, to comfort them how much we can. This is the 50th wedding anniversary. It's very difficult for a person to stay with another person, manage a family, take care of everyone, be the backbone, the support of the family for so many number of years. It's really very tiring, exhausting. It needs a lot of patience, sacrifice. And we all children appreciate that. I've never said anything like this before, but yes, mommy and daddy, I really love you a lot and we all love you a lot. I just want you all to know that we all love you very, very much. And I don't have enough words to say, but I think you will understand what I am trying to say. ऐसे और सारे एनिवर्सरीज हम इकट्ठे बताएंगे. नवी मॉम, नवी डैड, स्टे वेल, स्टे 50 इयर्स मोर टुगेदर, मेक मोर मेमोरीज, गुड वंस, एंड जस्ट बी हैप्पी. नो नीड ऑफ टेकिंग टेंशन ऑफ एनीवन. एवरीबॉडी इज फाइन. यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड एवरीथिंग एंड जस्ट बी हैप्पी. मेरी दिल से दुआ करती हूँ कि जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 और बहुत से साल साथ साथ चले और इसी तरह आपका प्यार हम पे लौटाते रहे. आंटी जी थैंक यू, अंकल जी थैंक यू वेरी मच, एंड दुग्गल परिवार जो मेरा परिवार है, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी मॉम एंड डैड, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. प्यारी अपना पापा जी, मम्मी जी, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू अ वेरी हेल्दी एंड हैप्पी पीसफुल लाइफ विद योर ग्रैंडकिड्स. जय माता दी, नानी माँ एंड नाना जी, हैप्पी 50th वेडिंग एनिवर्सरी. आई एम सो हैप्पी कि प्रवीण मामू एंड ललित मामू ने ये पार्टी थ्रो की आपके लिए. आई रियली विश कि हम भी वहाँ होते, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ईयर आई हूँ ना, तो हम बहुत ज़्यादा मज़ा करेंगे. बस हम तो आपसे पहले ही तैयार हो गए. मैंने वही पहना जो आपने भेजा. Thank you so much. Anyways, have an awesome day and have a lot of fun and I love you. Bye. Happy anniversary. Let's see. Let's see.
जय माता दी मम्मी एंड डैडी, आप दोनों को शादी की 50वीं सालगिरह पर बहुत बहुत बधाई हो. हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर 50th वेडिंग एनिवर्सरी. एक शब्द सुन रही थी आज सुबह जो मुझे बहुत अच्छा लगता है. थोड़ी सी कोशिश करूंगी, दो लाइन आपको गा के सुनाऊंगी. आई होप यू लाइक इट. लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे. लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे. जे सतगुरु नदर करे. जे सतगुरु नदर करे. जे सतगुरु नदर करे. लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे. लख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नदर करे. लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे. निमख वे तू मार नाम दे. मेरा मन तन शीतल होए. निमख वे तू हर नाम दे. मेरा मन तन शीतल होए. जिसको पूरब लिखिया इन सतगुर चरण गए. इन सतगुर चरण गए. लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे. 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 सतगुरु नदर करे.